आप देख रहे हैं लाइव टीवी न्यूज हिंदुस्तान की आवाज और मैं आपके साथ साहिल सुधा। पेश है देश और दुनिया की बड़ी खबरें। लाइव टीवी न्यूज में आज हमारे साथ हैं पीलीभीत की बरखेड़ा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक किशन लाल राजपूत। मैदागी से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे एडिटर विकास दीक्षित ने। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा विधायक किशन लाल राजपूत ने। विधायक जी, आप बरखेड़ा विधानसभा से विधायक हैं और पहली बार बरखेड़ा की विधानसभा ने आपको वहां से काफी उम्मीदों के साथ चुन के विधानसभा में भेजा कि आप बरखेड़ा की समस्याओं को दूर करेंगे। जनता और हमारे चैनल के माध्यम से आज लोग ये जानना चाहते हैं कि अभी तक आपके द्वारा बरखेड़ा विधानसभा में क्या क्या विकास कार्य किए गए, जनता की किन समस्याओं पर कार्य किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, हमारी योगी जी की सरकार का जो प्रमुख एजेंडा था जिसको हम लोगों ने नाम दिया था कि हम लोग एक लोगों के तो एजेंडे थे, हम लोगों का संकल्प पत्र था। उस संकल्प पत्र के माध्यम से जितनी भी योजनाओं को अंगीकृत किया उसमें लिखा, उन एक एक योजनाओं को हम धरातल पे भारतीय जनता पार्टी के लोग उतारने का कार्य कर रहे हैं। क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जैसे बरखेड़ा विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर जब हम चुनकर के आए तो हमारा बंगाली समाज है, ये न्यूरिया से लेकर के और ये इधर माला कॉलोनी तक, ठीक है। इस माला कॉलोनी के न्यूरिया माला कॉलोनी के बीच में एक कटना नदी है। कटना नदी के पटान से बहुत लंबे समय से उसका खुदान नहीं हुआ था, वो पट गई थी, तो हजारों एकड़ जमीन गोयल कॉलोनी और माला कॉलोनी के आसपास बारिश के पानी के भराव के कारण जलमग्न होकर के वहाँ की धान की फसल नष्ट हो जाती थी। पिछली सरकारों के जो प्रतिनिधि थे उनके भी संज्ञान में ये बात आई। हम चुन करके आए, हमारे बंगाली समाज ने और हमारे समस्त समाज ने उस कटना नदी के खुदान की बात करी। सबसे पहले चुनने के बाद में मैंने इस काम को अंजाम दिया। कटना नदी का खुदान गोयल कॉलोनी से लेकर के और ये अपना गजरौला रोड तक, यहाँ तक इस कार्य को मैंने पूर्ण किया। जनता अत्यंत खुश है और जो अभी बारिश हुई पूरे प्रदेश में, पूरे देश में बारिश हो रही है, पानी बरसा और कटना नदी जो खुदान हुआ उसके माध्यम से आगे निकल गया, तो जनता ने, वहाँ के जो काश्तकार बंधु थे, कृषक बंधु थे, उन्होंने राहत की सांस ली। इस तरीके से पूरे क्षेत्र में मैंने जनता के हित के बहुत काम किए। जब हम लोगों की सरकार बनी तो उस वक्त रोडें सब टूटी हुई थी, रोडें तो थी नहीं, यानी कि गड्ढों में रोडें थी। हमने अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र में हाथ की हथेली में जैसे रेखाएं होती हैं, इस तरीके से जाल के आधार पर मैंने अपने क्षेत्र में रोडों का निर्माण कराया। कई नई रोडें बनाई, पुरानी रोडें बनवाई, अब यातायात के साधन, शहर तक आने, शहर से घर जाने के लिए लोगों को बड़ी सुविधा होती है। क्षेत्र की जनता, हम यहाँ पर प्रत्येक दिन बैठते हैं, जनता के सुझावों को लेने के लिए, जनता की समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए। जनता अब खुद हमसे कहती आकर कि साहब विधायक जी, आपने ऐसा काम किया जो आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने नहीं किया। तीन हम यहाँ पर बड़े पुल जिनका निर्माण करा रहे हैं। बात करते हैं हम अपने कचहरी से टनकपुर रोड की, एक गाँव पड़ता है जनकपुरी, जनकपुरी से आगे रौतनिया के लिए जब पूरी जनता जाती है, लगभग 70-75 गांव हैं, उन गांव को जाने के लिए पुल नहीं है। खकरा नदी का पुल हमने लगभग स्वीकृत करा दिया है, क्योंकि सारी बिगड़ी हुई व्यवस्थाएं थी, उन व्यवस्थाओं को लाइन पे लाने के लिए, सही करने के लिए समय तो लगता ही है। पुरानी सरकारों ने, 17 वर्ष की सरकारों ने, उनके बिगड़े काम को हम लोग 1.5 साल में नहीं ठीक कर सकते हैं। हमारा जो संकल्प पत्र है उसके अनुसार सारे कार्य कर रहे हैं। तीन बड़े पुल, एक ही टनकपुर रोड से जनकपुरी से लेकर के रौतनिया के, रौतनिया पुल के बीच में, जहां लगभग 60-75 गांवों के आने जाने लोगों को उसका फायदा मिलेगा। इसी तरीके से बरखेड़ा जो हमारा नगर है, इसके पूर्व साइड में एक बर्रामऊ गाँव है, बर्रामऊ रोड से
मुसराहा के लिए रास्ता जाता है, वहाँ पर पुल है ही नहीं, बहुत पुराने समय का पुल बना हुआ था, अब वो बिल्कुल टूट चुका है। जब बारिश ज़्यादा हो जाती है तो आवागमन ठप हो जाता है, उसको भी हम स्वीकृत करा चुके हैं। इसी तरीके से और एक पुल है, ये पिपरिया भजा गांव पड़ता है, बरखेड़ा से लेकर गजरौला तक एक अच्छी रोड बनी है, चौड़ीकरण हुआ है, उसके बीच में भी पुल एक टूट गया है, उसको भी स्वीकृत करा के निर्माण का कार्य शुरू करेंगे। और हमारी प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की तमाम महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, एक से बढ़कर एक। शिक्षा विभाग की अगर हम बात करते हैं तो हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ हैं, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ी, स्कूल चलो अभियान। स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत जितने भी गांव में 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं उन सबको कक्षा 1 से लेकर 8 तक उनको एडमिशन कराने का काम हम सब लोगों ने किया। हमारी सरकार के द्वारा निःशुल्क बैग वितरण, पुस्तक वितरण, ड्रेस वितरण, जूते मोजे वितरण, सर्दियों में स्वेटर भी हमने दिए। इन सब जो योजनाएं हैं इनको 100% क्षेत्र में लागू करने का काम कर रहे हैं। और आगे की बात करें विद्युत विभाग की, सौभाग्य योजना के अंतर्गत हमारे मोदी जी का सपना है कि हर गांव में, हर गरीब के घर में रोशनी होगी। कुछ गांव यहां पर ऐसे थे पूरे जनपद में जिनमें विद्युतीकरण नहीं था, उन गांवों में हम विद्युतीकरण का कराने का काम कर रहे हैं। कुछ गांव ऐसे थे, गांव में आबादी तो थे लेकिन वो लोग कनेक्शन नहीं ले रहे हैं, तो सौभाग्य योजना के अंतर्गत हम लोगों ने जो बीपीएल के लोग हैं उनको निःशुल्क विद्युत का कनेक्शन हमने उपलब्ध कराने का काम किया है। गांव में जा जा करके कैंप लगा करके काम किए हैं। और बहुत सारी योजनाएं हैं, एक हमारी उज्ज्वला गैस योजना है, हमारे मोदी जी का सपना था कि हम इस लक्ष्य को 2019 तक पूरा करेंगे, उन्होंने 8 महीने पूरे ही पूरे प्रदेश में, पूरे देश में 5 करोड़ गैस कनेक्शन वितरित कर ये हमारी योजना सफल योजना के रूप में क्षेत्र में लागू हुई है। बहुत गरीब लोग थे जो चूल्हे पे कंडों से, उपलों से खाना बनाते थे, बारिश के दिनों में ईंधन लकड़ी गीली हो जाती है, गीली होने के कारण चूल्हे में जलती नहीं है, फूकनी से फूंकते हैं तो धुआं सांस के द्वारा फेफड़ों में पहुंचता है, आंखों में धुआं लगता है। अब उन गरीब परिवारों में हमारे मोदी जी के द्वारा गैस के कनेक्शन मुफ्त दिए गए, तो एक लाइटर जलाओ और गैस जलती है, चाहे खाना बनाओ, दूध उबालो, चाय बनाओ, मेहमानों को खिलाओ। तो इन सारी सब योजनाओं को हम समस्त भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं या जो कार्यकर्ता हैं, जन जन तक पहुंचाने का काम बड़ी सुगमता और सरलता से जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। विधायक जी, जैसे कि बरखेड़ा आप विधानसभा से आप विधायक हैं और आपकी विधानसभा में दो शुगर फैक्ट्रीज हैं, इन शुगर फैक्ट्रीज पे गन्ना किसानों का काफी पुराना पैसा बकाया है जो अभी तक आपकी सरकार के द्वारा निर्देशित किया गया था कि 15 जुलाई तक इस गन्ना किसानों का बकाया पैसा जो है वह किसानों को दे दिया जाएगा, मगर अभी तक इस क्रम में कोई बहुत ज्यादा गन्ना किसानों को फायदा मिलता नजर नहीं आ रहा है। 2017 में जब हम लोगों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो चीनी मिलों पे कृषक भाइयों का बहुत रुपया बकाया था, उस रेशियो को देखते हैं आज की डेट में तो बहुत छोटा अमाउंट रह गया है। लगभग बजाज ग्रुप को छोड़ करके जितनी चीनी मिले हैं सब ने गन्ना कृषकों का भुगतान कर दिया है, एक बजाज ग्रुप ऐसा है जिसपे अभी बकाया हमारे कृषक भाइयों की है और वो मैं ब्याज के उनको वापस करेंगे, उन पे भी दबाव डाला जा रहा है, उनसे ही बहुत ही जल्दी कृषक भाइयों का भुगतान कराया जाएगा। विधायक जी, पिछले कुछ दिनों से आपका एक वीडियो बहुत ज्यादा प्रचलित हो रहा है जिस वीडियो में ये कहा जा रहा है कि आप बेसिक शिक्षा अधिकारी को डांटते या हड़काते हुए नजर आ रहे हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये जो वीडियो वायरल हुआ है जी, लोग तो बढ़ा चढ़ा के इसकी बात करते हैं, हकीकत तो ये है, मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने आपके इस माध्यम से। बीएसए डॉक्टर इंद्रजीत प्रजापति, जिनको मैंने सुबह
लगभग 9:15 बजे फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने समझा हो सकता है जिले के अधिकारी हैं, बिजी हो सकते हैं, या हो सकता है स्नान कर रहे होंगे, थोड़ी देर में हो सकता है उनकी कॉल बैक आएगी। लेकिन उनकी कोई कॉल बैक नहीं आई। मैंने उनको 11:15 बजे फिर फ़ोन किया, उन्होंने फिर फ़ोन रिसीव नहीं किया और उसको बिजी कर दिया। हमने सोचा हो सकता है कहीं किसी ज़रूरी काम में होंगे। 12 बजे का समय हमारा निर्धारित था देवना पिपरैया जूनियर बेसिक प्राथमिक विद्यालय में, जहां हम लोगों को निःशुल्क ड्रेस वितरण का कार्यक्रम करना था। हमने तो पूरे क्षेत्र में दौड़ दौड़ कर 85 विद्यालयों में ड्रेस वितरण का, बैग वितरण का, पुस्तक वितरण का सब कार्य मैंने किए। शिक्षा विभाग के चाहे खंड शिक्षा अधिकारी हों, यानी कि ए बी एस सी, चाहे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हों, किसी का भी फोन आया या क्षेत्रवासी अध्यापक का फोन आया तो मैं शहर से पहुंचा गाँव, क्योंकि ये योजना हम लोगों की है, ना कि सरकारी अधिकारियों की है। तो हमारे पास फोन आया, हमने कहा पहुंचेंगे हम। जब इन्होंने फोन नहीं उठाया तो हम यहाँ से अपनी टीम, जो हमारे साथ के लोग हैं, इनको लेकर के देवना पिपरैया जा रहे थे। रास्ते में 5 किलोमीटर पहले इनकी कार हमें दिखाई दी, इनकी कार तो नहीं कह सकते हैं, कार में ये बैठे थे वो शायद कार प्राइवेट थी। मुझे लगा कि इसमें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, उन्होंने मुझे देख लिया होगा। मैंने उनको नहीं देखा। उन्होंने मुश्किल से, जब हम लोगों की गाड़ी आपस में क्रास हुई, 500 मीटर हमारे पीछे पहुंचे होंगे, उनका फोन आ जाता है। हमने कहा हाँ भाई बीएसए साहब, तो हमने कहाँ जा रहे हो, तो बोले हम तो पीलीभीत जा रहे हैं। हमने कहा अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो आप लौट के आ जाओ, आपके सामने अगर ड्रेस वितरण का कार्यक्रम होगा तो 4 चांद लगेंगे। तो वो हमारे कहने से लौट के आए। मैंने बराबर में कुर्सी डाली, उनको बैठाया, मैंने उनके कान में धीरे से मुस्करा के कहा कि बीएसए साहब, आप तो जिले के अधिकारी हैं, सरकारी नौकरी मैंने भी की है, आप कैसे नौकरी कर रहे हो, जनप्रतिनिधियों के फ़ोन नहीं उठाओगे। कल यहीं पर मेरे पास में जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय भी आए, उन्होंने भी मुझसे कहा कि ये मेरा फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। एक उनके साथ में आए हुए थे डॉक्टर आरपी गंगवार, जो डरमन राजीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता हैं, उन्होंने उनके सामने कहा कि ये मेरा फोन भी नहीं उठाते हैं। तो इसमें उनको डांटने की कोई बात नहीं थी, फिर वो भीड़ लगी हुई थी, क्या उनको मैं बहस करना चाहिए था, उनको बहस नहीं करनी चाहिए थे, वो अपनी गलती पे थे, उन्होंने स्वीकार किया। अब लोगों ने क्या वीडियो वायरल किया मुझे तो मतलब नहीं। ये हमारे प्रदेश सरकार की शिक्षा विभाग की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसको हमें अगर हमारे संज्ञान में है तो हम विद्यालय में जाकर के अपने क्षेत्रवासियों को बुला के, उनके बच्चों के माता पिता गार्जियंस को बुला के, उनको भी और प्रोत्साहित करेंगे कि हमारी प्रदेश सरकार ने पुरानी यूनिफॉर्म में और आज की यूनिफॉर्म में कितना अंतर है। आज जब हमारी यूनिफॉर्म स्टूडेंट घर से पहन के जाता है तो लगता है कि किसी कॉन्वेंट स्कूल का है। मैं उनसे आग्रह अनुरोध करता हूँ कि हम लोग एक एक नहीं दो दो यूनिफॉर्म दे रहे हैं, एक गंदी हो जाए धुल के प्रेस करके रख दो, दूसरी पहन के जाओ, बच्चे को नहलाओ धुलाओ कंघी करो विद्यालय में भेजो। तमाम ऐसे छात्र थे जो बिना यूनिफॉर्म के आए, मैंने उनके सामने उनसे कहा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 छात्र थे वो यूनिफॉर्म पहने नहीं थे। मैंने उनसे कहा, क्या बच्चों आपको पिछले समय में ड्रेस नहीं मिली, तो उनका कोई जवाब नहीं था, दाएं बाएं देखने लगे। अध्यापक जी से मैंने पूछा क्या यूनिफॉर्म इन्हें नहीं मिली, बोले साहब मिली। तो हमने कहा आपका क्या दायित्व बनता है भाई, आप शारीरिक दंड ना दे करके आप मानसिक रूप से दंड बच्चे को दीजिए कि आप यूनिफॉर्म आपकी है तो बैग यहीं रखो और यूनिफॉर्म पहन करके आओ, जिससे अगले दिन वो सुता ही यूनिफॉर्म पहन करके आएगा। तो हमारा जो एक कल्चर है, भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है, सबका साथ और सबका विकास, ये जो हमारी पार्टी का मूल मंत्र है, ये कहीं ना कहीं ये अच्छा और सिद्ध साबित होगा। तो इन सारी चीज़ों के साथ में अगर कोई ये कहता है कि बीएसए साहब को डांटा है तो ये गलत कह रहे हैं। मैंने उनको सुझाव दिया है, वो खुद ही बहस करने लगे। अब बात कर रहे हैं बीएसए साहब की, क्या उनको ये चाहिए, एक जनप्रतिनिधि क्षेत्रीय विधायक का जब कार्यक्रम
विद्यालय में लगा हुआ है, तो क्या उन्हें इंतजार नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। हम कह रहे हैं अगर कोई जरूरी काम है तो आप हमें विद्यालय में चलने से पहले हमें ये फोन करते कि विधायक जी मुझे कहीं किसी जरूरी काम से जाना है, अगर आप चाहें तो मैं चला जाऊं, क्योंकि मैंने तो 85 विद्यालय में बिना बीएसए साहब के, बिना बीएसए महोदय के यूनिफॉर्म वितरण करने का काम किया, इन्होंने मुझे बताया भी नहीं और अपना मोमेंटो लेकर के और ये सीधे वापस चले आ रहे थे। ये कहां तक इनका प्रोटोकॉल के तहत, अगर ये सही है तो आप मुझे बताएं। अपना मोमेंटो लिया और ये चले आए, जब इनने मेरी गाड़ी रास्ते में देखी तो इन्हें धक धक हुई, इनने मुझे फोन किया, तो मैंने इनसे कहा कि आपको आना चाहिए, अगर नहीं आ रहे हो तो आप जानो, आपकी मर्जी है। तो इन्होंने कहा चलिए मैं आता हूँ। ये आए, मैंने इनसे पूछा कि भाई आप क्यों लेट हो गए हैं, आप क्यों जा रहे थे, जब 12 बजे का कार्यक्रम था तो 12 बजे पहुंचना चाहिए, 10 बजे क्यों पहुंच गए, क्यों? और जब पहुंच गए तो भाई उनका शिक्षा विभाग है, उन्हें मौके पर रहना चाहिए, मौके पर रहे भी नहीं और मोमेंटो लिया, गले में माला डलवाई और अपने चले आए। तो ये कहां तक सही है? ये सरासर उन्होंने प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है, जो उन्हें नहीं करना चाहिए, आगे से उन्हें सुधार करना चाहिए। इतना ही मुझे इसमें कहना है, और कुछ पूछना है तो और पूछें। इसी महीने हम लोग 15 अगस्त पूरे जनपद में बड़ी धूमधाम से मनाएंगे, बच्चों को, उनके माता पिता को, क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त के बारे में बताएंगे कि हम लोग, हमारा देश आज ही के दिन पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, इसको पूर्ण आजादी के साथ मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।